हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके कक्षा 10 हिंदी में पेपर 2023 का। यानी दोस्तों कैसे, यानी ऐसे ही आएगा 2023 में पेपर। सबसे पहले बात करेंगे किस तरीके से 2023 में आपका पेपर पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कमेंट यही आ रहा था और आपका इम्पोर्टेंट क्लास भी जो है आपका शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपका हिंदी से, और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हिंदी में कैसे पेपर बनेगा, क्योंकि आप इस बार जो है पैटर्न आपका बिल्कुल बदल चुका है। 20 अंक का आपको मिलेगा बहुविकल्पी, ठीक है। यानी दोस्तों 20 अंक आपको मिल जाएगा बहुविकल्पी। तो कैसे, यानी कि बहुविकल्पी किस किस चैप्टर से, यानी कि किस किस अध्याय से आपसे बहुविकल्पी बनेगा, ये हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं और आपको बताएंगे कैसे कैसे जो है पैटर्न है आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने के। ये सब कुछ आज के क्लास में पूरी तरीके से विस्तार में हमको बताने वाले हैं। तो फटाफट जो है एक बार क्लास को आप सभी बच्चे जो है लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग जो है अपने फ्रेंड में, अपने स्कूल में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग शेयर कर दीजिए, और जो हमारे पहले नए बच्चे चैनल से जुड़ चुके आप सभी चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। साथ में दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, फटाफट जाकर के वहां से जुड़ जाइएगा, ताकि इंपॉर्टेंट क्लास का आपको पीडीएफ और जो है क्लास का नोटिफिकेशन दोनों आपको मिलते रहे। तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ेंगे तो वहां से आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्लास जब चलेगा, यानी कि आपका शुरू होगा, तो उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और ये व्हाट्सएप से जुड़ेंगे तो क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो एक बार सभी बच्चे जो है अपने फ्रेंड में जो है शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा संख्या, ताकि कक्षा 10 वाले बच्चे कम है चैनल से, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे जुड़ सके, ताकि आपके क्लास को रेगुलर चलाया जा सके, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आपको समझाते हैं किस तरीके से पेपर आएगा और 20 अंक के जो बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेंगे वो किस किस अध्याय से आपके, यानी किस किस चैप्टर से पूछेंगे, और आपके जो 50 अंक के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो आपके कहां से रहेंगे, वो भी हम आपको इसी क्लास में, यानी इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि 70 अंक का हिंदी का पेपर एक ही होगा, 30 अंक जो है 30 अंकों का विद्यालय स्तर पर आपको आंतरिक मूल्यांकन से नंबर मिलेगा। तो 70 में से जो है आपको 20 अंक इस बार जो है आपके बहुविकल्पी हो जाएंगे, और जो है 50 अंक के क्वेश्चन जो है आपके वर्णनात्मक, यानी कि दोस्तों आपके लिखित पेपर होंगे, जैसा कि होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कि खंड अ है आपके बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अब बात करें तो ये 20 अंक बहुविकल्पी बनेंगे कहां कहां से, वो हम लोग जान लेते हैं यहां पर। तो सबसे पहले आपकी बात कर लेते हैं बहुविकल्पी कहां से बनेंगे। सबसे पहले 5 बहुविकल्पी 5 अंक का जो है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जिसमें कि शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग से 5 बहुविकल्पी आपके क्वेश्चन बनेंगे 5 अंक के, ठीक है। इसके बाद दोस्तों दूसरी की बात करें तो हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय, जिसमें कि रीति काल एवं आधुनिक काल से 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी 5 अंक यहां से, यानी 10 अंक यहां से आपके बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बात कर लेते हैं और कहां से बनेंगे आपके, बनेंगे काव्य सौंदर्य के तत्व में, जिसमें कि आपके रस से, ध्यान से लिखा, रस में आपके हास एवं करुण रस, परिभाषा उदाहरण एवं पाचार, इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी में एक क्वेश्चन यहां से बनेंगे। अलंकार, जिसमें कि अर्थालंकार में आपका रूप, उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा से लक्षण उदाहरण, इससे रिलेटेड आपके एक बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेंगे एक अंक में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं छंद में, सोरठा एवं रोला दो छंद आपके सिलेबस में, इसमें लक्षण एवं उदाहरण, और इनसे आपके एक बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेंगे एक अंक में, यहां से आप देख पाएंगे। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, तो अब बनता है आपका चौथा पॉइंट, अगर बात कर लेते हिंदी व्याकरण से, हिंदी व्याकरण जिसमें कि शब्द रचना के तत्व से, और इससे आपके बनेंगे 4 क्वेश्चन 4 अंक, यानी 4 बहुविकल्पी क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे 4 अंक के, ठीक है। और इसमें बनेंगे क्या क्या, ध्यान सुनिएगा, उपसर्ग, उपसर्ग में आपके अ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि, सु इत्यादि से आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेंगे, और प्रत्यय से आई, त्व, ता, पन, वा, हट, वट इत्यादि से आपके आपके बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। समास से आपके द्वंद्व, दिग्यु से आपके बहुविकल्पी बनेंगे, और तद्भव, तत्सम एवं पर्यायवाची से आपके एक बहुविकल्पी यहां से बनेंगे। अगर दोस्तों अगर बात करें शब्द रचना से, तो एक बहुविकल्पी यहां से एक बहुविकल्पी, यानी उपसर्ग से एक बहुविकल्पी, प्रत्यय से एक बहुविकल्पी, समास से एक, तद्भव, तत्सम एवं पर्यायवाची से एक बहुविकल्पी यहां से आपके बन जाएंगे एग्जाम में, ठीक है, बहुविकल्पी में। इसके बाद दोस्तों पांचवा पॉइंट कहता है कि संस्कृत व्याकरण से 3 बहुविकल्पी पूछे जाएंगे 3 अंक के, जिसमें आपके संधि, संधि में आपके यड़ संधि से आपके परिभाषा उदाहरण पहचान से आपके एक बहुविकल्पी यहां से बनेंगे। शब्द रूप, जिसमें कि फल, मति, मधु, नदी या इन सब से जो है एक बहुविकल्पी यहां से बनेंगे। और धातु रूप,
जिसमें कि आपके पट हस से है, लोट लट लोट विधि लिंग तथा लेट लकार लंग लकार से आपके एक बहुविकल्पी यहां से बनेंगे। यानी कि संस्कृत व्याकरण जिसमें कि संधि से एक बहुविकल्पी, शब्द रूप से आपके एक बहुविकल्पी, धातु रूप से एक बहुविकल्पी यहां से बन जाते हैं। टोटल दोस्तों अगर बात करेंगे तो इस टोटल से आपके टोटल 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी के 20 नंबर यहां से आपके बन जाते हैं। तो ये सभी अगर आपके चैप्टर मिल जाए तो इसको आपको याद रखना है, इसका बहुविकल्पी ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये रहा दोस्तों का 20 अंक का बहुविकल्पी। अब बात कर लेते हैं आगे जो कि आपको लिखित पेपर देना है, और ये रहेगा दोस्तों आपके चैप्टर से, हिंदी के चैप्टर से। चलिए आप देख सकते हैं कि खंड ब जो रहेगा वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 50 अंक क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके बनेगा गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम के से गद्यांश, यानी कि दोस्तों आपके गद्यांश से आधारित प्रश्न उत्तर बनेगा, और ये दोस्तों आपका देख सकते हैं 6 अंक का रहेगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 अंक का, 6 अंक का रहेगा। इसी तरीके क्वेश्चन में जो दूसरा बनेगा पद हेतु निर्धारित पाठ्य से पद्यांश पर आधारित आपको प्रश्न उत्तर पूछा जाएगा। ठीक है, और ये भी 3 क्वेश्चन 2 अंक का 6 अंक का यहां से हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपके संस्कृत गद्य यानी संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए आपसे पूछा जाएगा, और दोस्तों 2 अंक आपका संदर्भ पर रहेगा, 3 अंक आपका हिंदी में अनुवाद करने के लिए, टोटल आपके 5 अंक यहां से बन जाते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर। और चौथा क्वेश्चन जो है संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, सेम चीज यहां पर भी है, आपको 2 अंक संदर्भ पर, 3 अंक आपके हिंदी में अनुवाद करने के लिए, 5 अंक यहां से हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 5 आपसे पूछेगा वो निर्धारित खंड का आपके क्वेश्चन नंबर जो 5 रहेगा वो निर्धारित खंड का आपके कथानक चरित चित्र एवं तथ्य आधारित प्रश्न आपसे पूछेगा, और ये आपके रहेगा 3 अंक में। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा, 6 में कम जो रहेगा आपसे पूछेगा निर्धारित खंड गद्य खंड की पाठ्यवस्तु संबंधी लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी रचना का नाम आपको लिखना है, और ये रहेगा आपका 5 अंक में क्वेश्चन। और इसी का 6 का ख में आपके पद यानी कि पद से आपके कवियों का जीवन परिचय लिखने के लिए रहेगा, और ये भी रहेगा आपके 5 अंक के। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों लेखक और जीवन परिचय आपको लिखना आएगा। इसका क्वेश्चन में जो 7 बनता है वो आपसे बनेगा संस्कृत खंड की पाठ्य वस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो आपको लिखना है, और ये लिखना है दोस्तों आपको। ठीक है, और ये रहेगा आपका 2 अंक का। तो एक श्लोक आप सभी लिख करके दो चैप्टर से दो श्लोक अच्छे से तैयार रखिएगा, ये आपको कंपलसरी पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में, और ये क्वेश्चन बदल नहीं सकता है, इसलिए ये श्लोक आप संस्कृत में याद करके जाइएगा, ये आपसे पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि संस्कृत खंड की पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर आपको देना है, और ये आपके पूछेगा 2 क्वेश्चन 2-2 अंक के रहेंगे, 4 अंक क्वेश्चन आपके यहां से बन जाते हैं। इसका क्वेश्चन जो नंबर जो 9 रहेगा आपका निबंध रचना से रहेगा, जिसमें कि आपको निबंध आपसे किससे पूछेगा, वही वैज्ञानिक सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक आर्थिक समस्याएं जनसंख्या स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण में यातायात के नियमों पर आधारित आपसे के विषय में आपसे किसी पर आपसे निबंध पूछ सकता है, और ये रहेगा आपके 9 अंक के। इस तरीके से आपके यहाँ पर जो है प्रश्न पत्र बनेंगे। तो दोस्तों जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो नेक्स्ट क्लास में यानी कि नेक्स्ट क्लास में जब भी लेकर हिंदी आएंगे उसमें हम जो है 2023 का मॉडल पेपर हम लेकर के आएंगे, किस तरीके से मॉडल पेपर 2023 यानी 2023 के बोर्ड एग्जाम में कैसे आपको पेपर मिलेगा देखने के लिए, तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो अगला जो हिंदी का क्लास लेकर के आएंगे उसमें ये जो हमने ये आपको जो मेथड बताए हैं और इससे आधारित आप कैसे प्रश्न पत्र आपका तैयार होगा वो हम आपको अच्छे से समझा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो कमेंट जरूर करिएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये सेशन आपको अच्छे समझ में आ गया है, और दोस्तों आपको बताते चले कि शाम को 4 बजे आपका एक क्लास इंपोर्टेंट चलेगा, और आपको 6 बजे 2 क्लास आपके रोजाना आपके चलेगा, तो आप 4 बजे और 6 बजे लाइव क्लास से आप जरूर जुड़ जाया करिएगा। ठीक है, तो एक बार अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए, अपने स्कूल में शेयर कर दीजिए, जो बच्चे चैनल से पहली बार जुड़े आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।